नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने लेकर के आ गया हूं ज्ञान से भरपूर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेल क्या होती है, यानी जमानत लेना किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई अपराध होता है या कोई लड़ाई झगड़ा या खून किसी का हो जाता है, यानी कत्ल हो जाता है या किसी का रेप हो जाता है या चोरी किसी यहां क्या हो जाए या और भी किसी प्रकार का कोई संगीन अपराध या कोई ऐसा अपराध जिससे सामाजिक हानि हुई हो, तो ऐसी सूरत में क्रिमिनल केस चलता है। जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा है कि उसने फला क्राइम किया है, उसे पुलिस अरेस्ट करती है। या अगर किसी व्यक्ति को यह अनुमान हो जाए कि उसने क्राइम किया है और उसे पुलिस गिरफ्तार करने वाली है, तो वो अपने अधिवक्ता के सलाह पर न्यायालय में सरेंडर कर देता है। तो दोस्तों, जनरली लोगों ने एक आम धारणा बना रखी है कि अगर किसी क्रिमिनल केस में किसी व्यक्ति की जमानत हो गई तो वो ऐसा सोचता है कि अब मुकदमा समाप्त हो गया, मैं बाइज्जत बरी हो गया और मुकदमा खत्म हो गया। जी नहीं, अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये सोच पूर्ण रूप से गलत है, सरासर गलत है। इसलिए क्योंकि किसी भी क्रिमिनल केस में बेल हो जाना एक बात है और ट्रायल चलना एक बात है। ट्रायल का मतलब किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलना। आप मेरे और भी अन्य वीडियोस जो मैंने पहले पोस्ट कर रखे हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा कि ट्रायल एग्जैक्टली क्या होता है। अब यहां मैं बात कर रहा हूं बेल की, कि बेल हो जाना यानी जमानत हो जाना और मुकदमा चलना दो अलग अलग बातें हैं। जब किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर नजदीकी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करती है। वहां से कोर्ट यदि उचित समझती है तो उसकी रिमांड डेट लेकर के उसे जेल भेज देती है। उसके बाद जो व्यक्ति जेल में बंद है, चाहे उसे पुलिस ने अरेस्ट किया हो तब वो न्यायालय में पेश करने के बाद जेल गया हो, या फिर उसने खुद अपने अधिवक्ता के सलाह पर सरेंडर किया हो अदालत में और अदालत ने उसकी रिमांड लेकर उसे जेल यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया हो, दोनों ही सूरतों में मुकदमे उस पर हुए, अब उसे जमानत करानी यानी जेल से अपने आप को बाहर निकालना है, तो वो खुद वकील अपॉइंट नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति जेल के अंदर बंद है वो खुद अपने वकील का वकालतनामा साइन नहीं कर सकता। जैसा कि आपने टीवी पिक्चरों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, ऐसा नहीं होता, ये पूर्ण रूप से गलत है। हकीकत में जो भी व्यक्ति जेल के अंदर गया है, बंद है जेल में, उसका जो परिवार का व्यक्ति होगा, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, जो भी फैमिली मेंबर हो या उसके दोस्त यार हो या कोई वेलविशर हो, वो उसके बिहाफ पर एडवोकेट अपॉइंट करते हैं और एडवोकेट का वकालतनामा साइन करते हैं, मेमो साइन करते हैं। खास तौर से बेल एप्लीकेशंस दाखिल करते समय मेमोरेंडम साइन किया जाता है और अपने वकील से कहते हैं कि उसकी बेल कराइए। दोस्तों, मैं बेल एप्लीकेशन आपको दिखाना चाहूंगा जो कि सेक्शन 439 सीआरपीसी के तहत, यानी धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता में बेल एप्लीकेशन दाखिल होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हाईकोर्ट की एक बेल एप्लीकेशन है। इसमें बेल एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा होता है, फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 सीआरपीसी, यानी अगर किसी व्यक्ति की वह प्रथम बेल है तो उस पर फर्स्ट बेल एप्लीकेशन लिखेंगे और अगर उसकी पहले से एक बेल खारिज हो चुकी है तो उस पर सेकंड बेल एप्लीकेशन लिखेंगे। और इसी बेल एप्लीकेशन के संसंग शपथ पत्र लगा होता है। शपथ पत्र क्या होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका विधिक ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए हाईकोर्ट की बेल एप्लीकेशन है। जैसा मैंने एफिडेविट वाले एपिसोड में बताया था कि हाईकोर्ट का नया फॉर्मेट होता है एफिडेविट का, और वहां पर एक टिकट नुमा जिस पर आपका आधार कार्ड और अंगूठे का निशान, जो व्यक्ति पैरवी कर रहा है उसका फोटो खींचता है एफिडेविट फोटो सेंटर में, और वो वहां चस्पा होता है। ओसी यानी ओथ कमिश्नर अपना टिकट लगाते हैं, कोर्ट फीस लगाते हैं और एक शपथ पत्र तैयार होता है। ये बेल एप्लीकेशन के संग लगाया जाता है।
जब बेल एप्लीकेशन मूव कर दी जाती है उस पर बहस होती है कोर्ट में, और अगर कोर्ट को सही लगता है कि हाँ बेल देने लायक मैटर है तो कोर्ट बेल देती है, और अगर कोर्ट को लगता है कि बेल देने लायक मैटर नहीं है तो कोर्ट बेल खारिज कर देती है। जब मैजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल खारिज होती है तो आप उस खारिजा आदेश को सेशन कोर्ट में चैलेंज करते हैं, सेशन कोर्ट से बेल खारिज होती है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, और अगर हाई कोर्ट से खारिज हुई तो आप वहां सेकंड भी मूव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं बेल कराने के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों, जब बेल हो जाती है उसके बाद जो आपका मुकदमा है, जिस मुकदमे में बेल हुई है, वो मुकदमा हाजिरी पे लग जाता है। इसलिए कभी भी ये ना समझिएगा कि अगर बेल हो गई, जमानत हो गई तो मेरा मुकदमा समाप्त हो गया और अब मैं बाइज्जत बरी हो गया। जी नहीं, बाइज्जत बरी आप कब होंगे, जब उस मुकदमे का ट्रायल यानी वो मुकदमा आप पर चलेगा, आप पर चार्ज बनेगा, गवाहियां आएंगी, आपका वकील वादी और उसके गवाहों से जिरह करेगा, और उसके बाद वो ट्रायल जब पूर्ण होगा तो या तो आपको सजा होगी या फिर आप बाइज्जत बरी होंगे। लेकिन बेल हो जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बाइज्जत बरी हो गए या आपका मुकदमा समाप्त हो गया। तो बेल होने का ये प्रोसीजर है। बेल हो जाने के बाद जब बेल ऑर्डर कोर्ट कर देती है, यानी बेल यानी जमानत देने के लिए जब कोर्ट आदेश कर देती है, तो उसके बाद आपको बेल बॉन्ड्स लगाने पड़ते हैं। इस पर मैं एक अन्य वीडियो बनाऊंगा और आपका विधिक ज्ञान बढ़ाऊंगा कि बेल बॉन्ड्स क्या होता है। आप उसमें देखिएगा, उस वीडियो को, आपका बहुत अधिक ज्ञान बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपका विधिक ज्ञान बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।